हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर. फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन. टुडे विल बी डिस्कस अबाउट मनी. आज हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे. किसके बारे में? मनी के बारे में. ठीक है, मनी. सभी लोग जानते हो मनी होता क्या है. आप सभी लोग चॉकलेट खरीदने जाते हो, टॉफी खरीदने जाते हो, तो वहां पे जो दुकानदार होता है वो आपसे क्या मांगता है कि मनी दीजिए इसके बदले, तभी मैं आपको दूंगा. तो आज हम मनी का मतलब समझेंगे कि मनी होता क्या है. ठीक है, मनी. हम मनी किस रूप में जानते हैं? हम उसको नोट के रूप में यूज करते हैं, सिक्के में यूज करते हैं, यानी क्वाइन में यूज करते हैं ना. तो yes. यानी हम आज हम पढ़ेंगे मनी. मनी होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसको जानने के लिए कि मनी होता क्या है. वी नीड मनी टू परचेज द थिंग्स. यानी हमें मनी की आवश्यकता होती है कोई वस्तु खरीदने के लिए. यानी अगर हम टॉफी खरीदने जाते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? मनी की ही जरूरत होती है, तभी ना वो टॉफी देगा शॉपकीपर, देगा ना. तो यानी वी नीड मनी टू परचेस. यानी हमें वस्तुएं खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनी की आवश्यकता होती है. ठीक है, मनी इज क्रिएटेड इन रुपीज एंड पैसे विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस एंड करेंसी नोट. मनी क्या होता है? मनी इज ट्रीटेड इन रुपीज. मनी को हम किस पे जानते हैं? उसको रुपीज से समझते हैं. इंडिया की करेंसी क्या है? रुपये है. क्या है? रुपीज है ना. इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज है. तो हम इसे रुपीज जानते हैं. ठीक है, यूएस का क्या है करेंसी? वहां का डॉलर है. तो वो लोग मनी को डॉलर के रूप में जानते हैं. ठीक है, तो हम मनी को किस रूप में जानते हैं? हम उसे रुपीस के रूप में जानते हैं. ठीक है, तो रुपीस एंड पैसे, हम उसे रुपए और पैसे में जानते हैं. ठीक है, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस एंड करेंसी नोट. वो किस किस रूप में अवेलेबल रहते हैं? वो करेंसी नोट और सिक्कों में होते हैं. यानी नोट और सिक्कों में, 10 के नोट, 20 के नोट, आप सभी ने देखे है ना. देखे है ना सभी? तो हम उसी के रूप में पढ़ते हैं. ठीक है, क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स, हमारे सिक्के और करेंसी नोट्स. तो यहाँ पे ये पहले क्या दिखाया गया? क्वाइंस दिखाए गए हैं. ये 50 पैसे का क्वाइन है, ये 1 रुपए का क्वाइन है, ये 2 रुपए का है, ये 5 और ये 10 रुपए के क्वाइन है जो दिखाए गए हैं. ठीक है, आगे है क्वाइंस सच एज 50 पैसे. यहाँ पे क्या है? क्वाइन कौन कौन से हैं? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए एंड 5 रुपए, 10 रुपए के. यानी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज के क्वाइन आर प्रेजेंटली इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये किसके द्वारा इशू किया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्वाइंस इशू किए गए हैं, यानी जारी किए गए हैं. कौन कौन से? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के क्वाइन. ठीक है, करेंसी नोट भी जान लेते हैं. करेंसी नोट यहाँ पे क्या है? 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, यानी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000. ये इतने नोट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, यानी जारी किए गए हैं, जिनको हम यूज करते हैं कोई सामान परचेस करने में. ठीक है, कोई भी थिंग्स यूज कर, यानी खरीदने में. अगर हम चॉकलेट खरीद रहे हैं तो भी हम करेंसी नोट या सिक्कों का यूज करते हैं, या फिर हम कोई चीज बड़ा सामान खरीद रहे हैं. ठीक है, यानी बड़े अमाउंट का सामान खरीदते हैं तो हम वहां पे ज्यादातर क्या यूज करते हैं? करेंसी नोट्स का यूज करते हैं ना. यस सर.
तो वही चीज देखेंगे कि करेंसी नोट और क्वाइंस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे है एक्सप्रेशन ऑफ मनी, एक्सप्रेशन ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या, एन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म, यानी उसको दो फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए मनी को दो फॉर्म में दिखाया गया है, एक रुपए और दूसरा क्या है पैसे, रुपए और पैसे में, ये दो फॉर्म नहीं हुए, रुपए और पैसे, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म मीन्स क्या होता है, जो बड़े अमाउंट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब जो छोटे अमाउंट होते हैं, जैसे पैसे में, ठीक है, रुपए और पैसे में, रुपया क्या है लॉन्ग फॉर्म है और पैसा क्या है शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए 500, 50 + 20 + 5 and 50 and 25 पैसे, ये दोनों क्या है 50 and 25 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या किया गया, ये लॉन्ग फॉर्म क्या है, यहाँ पे 50 + 20 कितने हुए, 50 + 20 = 70 + 5 रुपीज के नोट, ये करेंसी नोट क्या हुए, टोटल मिला के कितने हुए 75 रुपीज हुए, वे ना 50 + 20 and 5 यानी 75 रुपीज हुए। अब पैसे पे आते हैं, कितने पैसे हैं 50 + 25, 50 पैसे and 25 पैसे इक्वल टू कितना हो गए 75 पैसे, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ 75 रुपीज and 50 पैसे। ये लॉन्ग फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं 75.75 रुपीज, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। लॉन्ग फॉर्म मतलब वर्ड फॉर्म में लिखना, जैसे ये 75 रुपीज and 75 पैसे, ये क्या है लॉन्ग फॉर्म है, और 75 रुपीज 75 पैसे यहाँ पे नंबर्स में लिख दिए जाते हैं डायरेक्टली, वो क्या है शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? यस सर। जिनको नंबर के साथ वर्ड में लिखा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म को क्या किया जाता है, उसको डेसिमल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी मैंने इसको ऐड किया था, कितना हुआ था 75 रुपीज एंड 75 पैसे, तो ये क्या है एक शॉर्ट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म 75 रुपीज, यानी उसको कंप्लीटली लिख दिया जाता है, यानी कितने रुपए और कितने पैसे हैं उनको वर्ल्ड में राइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है, यहाँ पे 100 के 2 नोट्स हैं, 20 के 1 हैं और 5 के 1 है, तो ये कितने हुए 200 + 20 + 5 यानी 225 रुपीज। कितने पैसे हैं 50 50 पैसे के, 3 सिक्के यानी 3 क्वाइन है, यानी 150 पैसे। ठीक है, तो ये कितने हुए 220 + 5, ये कितने पैसे है 150 पैसे है ना। तो हमें ये पता है कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, होते हैं ना। यस सर, होते हैं ना। यस सर, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 150 पैसे है ना, तो यानी ये 100 से ज्यादा है ना, तो यानी ये 1 रुपए 50 पैसे हो गए ना। यस सर, यस। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, तो ये 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 50 पैसे ज्यादा है ना। यहाँ पे कितने पैसे ज्यादा है इसमें, यस सर 50 पैसे ज्यादा है ना सर, 50 ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 रुपीज and 55 पैसे, सॉरी 50 पैसे, तो ये 1 रुपीज एंड 225 कितने हो गए 226 and 50 पैसे, कितने हो गए 226 रुपीज एंड 50 पैसे। क्लियर है सभी को, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म क्या है,
226 रुपीज एंड 50 पैसे इसको वर्ड में लिख दिया गया, यही क्या है लॉन्ग फॉर्म है। तो ये क्लियर हुआ शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? क्लियर सर। चलिए अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए अब सिक्कों को केवल क्या है, ये तो केवल नोट्स और सिक्के दोनों मिला के थे, यानी क्वाइंस और करेंसी दोनों मिला के थे, ठीक है। अब केवल क्वाइंस को ही ऐड करते हैं, यानी क्वाइंस में कैसे हम जानेंगे कि ये लॉन्ग फॉर्म कौन सा होगा और शॉर्ट फॉर्म कौन सा होगा, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म देखते हैं, लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे कितना 50 एंड 25 पैसे, तो इन दोनों को क्या मतलब इन दोनों को मिला के कितने बन गए 75 पैसे, यानी कंप्लीटली उनको जब वर्ड में राइट कर दिया जाए वही क्या है लॉन्ग फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में क्या है उसको कैसे राइट करेंगे हम, 0 रुपीज एंड 75 पैसे इस फॉर्म में क्या राइट करेंगे, यानी पैसे को पॉइंट में राइट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पैसे को क्या किस में राइट करते हैं हम, पॉइंट में राइट करते हैं और रुपीज पॉइंट के इस साइड, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ सभी का? चलिए आगे देखिए। वी हैव सीन दैट फॉर राइटिंग एन अमाउंट ऑफ मनी इन शॉर्ट फॉर्म, वी हैव सीन, हमने देखा कि एक अमाउंट को किसमें किया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में। बी यूज अ डॉट, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने किसका यूज किया, डॉट का, यानी पॉइंट का यूज किया है ना यहाँ पे, तभी ना इसको राइट किया है। तो यहाँ पे ये जो डॉट है ये क्या बता रहा है, टू सेपरेट रुपीज एंड पैसे, ये किसको क्या बताता है, ये रुपए और पैसे को अलग अलग करता है। ये डॉट क्या बताता है कि रुपए अलग है, इतने रुपए और इतने पैसे है। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर दू 1 रुपीज 25 1.25, आगे रुपीज का सिंबल लगा दे, तो ये इसको क्या रीड करेंगे हम, 1 रुपीज एंड 25 पैसे, क्या रीड करेंगे इसको, 1 रुपीज एंड 25 पैसे, ठीक है। लेकिन जब ये सिंबल लगा रहेगा तब, ठीक है, सिंबल नहीं रहेगा तो इसको क्या रीड करेंगे, केवल हम इसको रीड करेंगे 1.25, सिंबल नहीं लगा है तो इसको क्या रीड करेंगे 1.25, अगर सिंबल लगा है तो हम इसको क्या रीड करेंगे 1 रुपीज एंड 25 पैसे। क्लियर, सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो द फिगर ऑफ सॉरी द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट डोनेटेड द नंबर ऑफ रुपीज एंड द टू फिगर्स ऑन द राइट ऑफ द डॉट डोनेटेड द नंबर ऑफ पैसे। अभी आपको मैंने बताया जो डॉट के इस साइड है यानी राइट लेफ्ट साइड में जो है उसको रुपीज में रीड करते हैं और जो राइट साइड है उसे हम पैसे में रीड करते हैं। सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखिए 10.1, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, यानी ये जो नंबर यानी जो रुपए और पैसे दिखाए गए इनको वर्ड्स में राइट करना है। तो वर्ड्स में इनको राइट करेंगे कितना आएगा, इनको हम क्या राइट करेंगे, कौन बताएगा ये कितने हैं? सर 0 पैसे 25 सर रुपीस। स्ट्रॉन्ग है सर, 0 पैसे कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे 0 रुपीज है एंड 25 पैसे हैं। कितने रुपीज है यहाँ पे, या फिर हम इसको डायरेक्टली 0 रुपीज ना लिखे, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 25 पैसे, ठीक है। इसको पूरा वर्ड में लिख दो या फिर केवल इतना ही लिख सकते हैं आप 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए यस सर, इसका आंसर अनुष्का आप दीजिए। अनुष्का ये कितने कितने पैसे हैं ये, अनुष्का
यस सर। ये कितने हैं सर? 85 पैसे। 85 पैसे। 85 पैसे, ठीक है। तो सारे अमाउंट्स को किसमें राइट करना? वर्ड में राइट करना है, तो इसको भी 25 पैसे वर्ड में लिखना। ये जो मैंने नंबर में डायरेक्ट लिख रखा है इसको आप वर्ड में राइट करना, ठीक है। 25 yes, पैसे sir. 85 पैसे, पैसे. कंप्लीटली आपको कैसे राइट करना है? आपको राइट करना है कैसे? आपको राइट करना है 25 पैसे, ठीक है। इसको भी ऐसे 85 पैसे, ठीक है। क्लियर है सभी का? अब यहाँ पे इसका आंसर हर्षित आप दीजिए। हर्षित, सी वाले को क्या रीड करेंगे? सी वाले क्या रहा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, रीड करके बताओ। 2 रुपीज 17 पैसे। यस, कितने हैं? 2 रुपीज एंड 17 पैसे, ठीक है। एंड लिखने की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपीज एंड 17 पैसे, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखा गया ये? चलिए नेक्स्ट बताएंगे अब इसको। तेजस्वी आप बताइए। तेजस्वी यस सर, आप आंसर दीजिए। सर 16 रुपीज 40 पैसे। यस, कितने हैं? 16 रुपीज एंड कितने पैसे हैं? 40 पैसे। 40 पैसे, तो इतना समझ में आया कैसे एक्सप्रेस करना है? यस सर। यस सर। जो बाकी के बच्चे हैं ये आप होमवर्क करके सेंड करिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। यस सर। क्या बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर, यानी ये जो राइट है आप इसको क्या करना है? आपको इसको फिगर में राइट करना है। फिगर में मतलब नंबर फॉर्म में, यानी इस तरीके से राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लिखे हैं? 45 पैसे। कितने हैं? 45 पैसे। श्रेया पांडे आप बताइए, 45 पैसे को फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? श्रेया पांडे, श्रेया आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रेया, आपके माइक में प्रॉब्लम है, आप अपने आप म्यूट करो। हाँ चलिए आप बताइए। अभिनव मौर्य, अभिनव। यस सर। आप बताइए क्या राइट करेंगे? अभिनव मौर्य। यस सर। सर बता रहे, बताइए। क्या राइट करेंगे? यस बेटा, आप बताइए। सर 0.45। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? रुपीस 0.45 पैसे। कितने रुपीस और कितने पैसे? 0 रुपीस एंड 45 पैसे, पैसे, ठीक है। हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताएंगे इसको वेदांत। वेदांत आप बताइए 95 पैसे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
95 पैसे। वेदांत आंसर दीजिए। वेदांत वर्मा, वेदांत आवाज नहीं जा रही क्या सबको? सर मैं एयरटेल नहीं, कीर्ति वर्धन आप बताइए। कीर्ति वर्धन, यस सर, आप आंसर दीजिए जरा। 0.95। यस, क्या होगा? रुपीज 0.95 पैसे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर खुशी देंगी। खुशी इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर सी का आप बताइए। 58 रुपीज एंड 25 पैसे का क्या होगा? कितने हैं? 58 रुपीज एंड 25 पैसे। क्या राइट करेंगे? 58.25। यस, 58.25। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को? कैसे क्या राइट करेंगे? यस सर, यस यस सर। चलिए अब ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनको आप सभी करके लाना, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिवन बिलो आर सम अमाउंट इन वर्ड्स, एक्सप्रेस देम इन फिगर। यहाँ पे ये कुछ अमाउंट वर्ड में राइट हैं, आपको किसमें राइट करना है? इसको फिगर में राइट करना है। किसमें राइट करना है? फिगर, फिगर में। तो यहाँ पे कितने रुपीस हैं? रुपीस 65 एंड पैसे कितने हैं? 30 हैं। तो कितने रुपीस हैं यहाँ पे? 65 रुपीस हैं। तो कैसे राइट करेंगे इसको? 65 रुपीस एंड कितने पैसे हैं? 30 पैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से 65 रुपीस एंड 30 पैसे। सभी को समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर देंगे हर्षित। हर्षित आप बताइए, रुपीज 80 एंड पैसे 25, इसको कितना राइट करेंगे हम? सर 80 रुपीज पॉइंट 25 पैसे। यस, क्या राइट करेंगे? 80 रुपीज पॉइंट 25 यानी 25 पैसे। ठीक है, आगे इसका आंसर देंगे अब अदिति सिन्हा। अदिति, रुपीज 105 एंड पैसे 75। रुपीज कितने हैं? 105 है और पैसे 75 है। क्या होगा? सर रुपीज, सर 100, सर 105 पैसे, सर सर पॉइंट पॉइंट पैसे 75। स्ट्रॉन्ग आंसर, फिर से बोलिए। यहाँ पे क्या 105 रुपीज है और 75 पैसे हैं। सर 105 सर रुपीज सर पॉइंट सर 75 पैसे। यस, 105 रुपीज एंड 75 पैसे। ठीक है, ये बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको मैंने नहीं किया है ना सॉल्व कराया, ये आप सभी करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, आप सबकी कॉपियां आज वाली, मतलब कल वाली और उसके पहले वाली नहीं चेक हुई है, ठीक है, उसको मैं चेक करके आज भेज दूंगा। ठीक है सर, ऊपर के लिए क्या हुआ? अच्छा चलिए, अब मैं इसी से रिलेटेड पूछूंगा मैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अब मैं जिनसे पूछता हूं वो बताएंगे इसका आंसर। चलिए अब इसका आंसर देंगे अनुष्का। नहीं, अभी आप दीजिए, अभी पांडे आप दीजिए आंसर जरा। आपको बताना है इसको एक्सप्रेस करना वर्ल्ड में। इसको वर्ल्ड में बताना है क्या होगा। वर्ल्ड में बताना सर, है जी, सर 0 रुपीज 17 पैसे वर्ल्ड में राइट करना है।
सर 17 पैसे। 17 पैसे वो भी सही था, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, 17 पैसे। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है अनुष्का से। अनुष्का आप आंसर दीजिए इसको, आपको जो मैं वर्ड में राइट कर रहा हूं आपको बताना है इसको नंबर्स में। ठीक है, सॉरी अनुष्का बताइए, रुपीज 75 पैसे, इसको आपको बताना है फिगर में कितना होगा, रुपीज 175 पैसे हैं, आपको बताना है फिगर में कितना होगा, फिगर में कितना होगा बताइए। सर 100। आगे सर 100 रुपीज 65 पैसे। 75 है, 65 नहीं है वो, 175 पैसे, वेरी गुड। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ श्रेयांक यादव से। श्रेयांक, श्रेयांक आप आंसर दीजिए। श्रेयांक यस सर। रुपीज 95, ठीक है, एंड पैसे, सॉरी पैसे हैं 25, इसको आपको फिगर में बताना है कितना होगा, फिगर में बताइए कितना होगा। सर रुपीज 95 पैसे, 95 रुपीज, 25, हाँ 25 पैसे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देंगे अभिनव पटेल, आप आंसर दीजिए। अभिनव पटेल यस सर, आप बताइए ₹95 एंड 135 पैसे हैं, इनको आपको फिगर में बताना है कितना होगा, ध्यान से देखना। 95 रुपीज है और 135 पैसे हैं, इनको आपको फिगर में बताना है कितना होगा। सर रुपए 95 एंड 135 पैसे। नहीं बेटा, देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, भी उससे पहले भी आपको बताया कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं ना। 1 रुपीज में मैंने अभी आपको बताया था कि 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 135 बोल रहा है, 135 बोल रहा है ना, बोल रहा है ना, तो यानी ये कितना ज्यादा है, 100 से ये कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है ना। यस सर। तो यानी यस सर, ये कितने के इक्वल हुआ, ये 1 रुपीज के इक्वल हुआ ना। यस सर, 1 रुपीज के इक्वल हुआ, कितने रुपए हुए, 1 रुपए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने थे, 95 पैसे थे ना, तो 95 प्लस 1 कितने हुए, 96
रुपी पैसे कितने हुए? 35 पैसे हुए. कितने पैसे हुए? 35 पैसे. तो ये समझ में आया कैसे लिखा गया है? यस सर. चलिए मैं इसी तरीके से एक और पूछ रहा हूँ अभी, इसका आंसर दीजिए. मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया, सॉरी वन हंड्रेड रुपीज, आवाज ना करिए, रुपीज एंड 200 205 पैसे. अभी पांडे आप बताइए जरा, 100 रुपीज एंड 205 पैसे. सर 100.205 पैसे. रॉन्ग है. मैंने भी आपको भी ऊपर ही बताया कि यहाँ पे क्या था, 95 पैसे थे तो ये 100 था, तो ये 96.35 हुए. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 100 रुपीज एंड 205 पैसे हैं, यानी 205 बोल रहा है. इसका मतलब ये 2 रुपए 5 पैसे हुए. 2 रुपीज एंड 5 पैसे हुए ना, ये कितने हैं? 100. तो 100 रुपीज प्लस 2 रुपीज एंड 5 पैसे कितने हुए? 102 रुपीज एंड 5 पैसे. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को? कोई बोलिए, किसी को आवाज नहीं जा रही है क्या? जा रही सर. बोल क्यों नहीं रहे हो फिर, बोला करिए. सर आवाज बजती आ रही है, कट कट के जा रही है. यस सर. बेटा बारिश हो रही है इसीलिए हमें लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बारिश हो रही है ना, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगी. चलिए हम थोड़ा आगे के बारे में भी कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं. ये तो एक्सरसाइज ये आपको होमवर्क करके भेजना है, मैं केवल इस पे डिस्कस करूंगा कि आप पढ़ेंगे कल क्या. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे. यस सर. कन्वर्जन यानी रुपए और पैसे को कन्वर्जन यानी बदलना सीखेंगे हम. इसके बाद क्या करेंगे, रुपए और पैसे को बदलते कैसे हैं, यानी रुपए को पैसे में कैसे करते हैं, पैसे को रुपए में कैसे करते हैं, हम ये चीज सीखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 रुपीज, इसको बोल रहा है पैसे में करिए. किसमें करिए? पैसे में. इस 2 रुपीज को बोल रहा है पैसे में करिए. तो मैंने भी आपको क्या बताया कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. 100. कितने पैसे होते हैं? 100. तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 100. 2 रुपीज में कितने पैसे सर? 200. 200 पैसे हो जाएंगे. हो जाएंगे ना. ऐसे ही अगर पूछ रहा है कि बताइए यस सर 15 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 15 रुपीज में कितने पैसे होंगे? सर आपकी आवाज 1500 पैसे. ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे. सर आपकी आवाज, बेटा मेरी आवाज जिसके पास भी कट कट के जा रही है, ठीक है, वो परेशान ना हो.